हेलो दोस्तों, टुडेज़ इंटीरियर डिज़ाइन चैनल्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 40 फीट 6 इंच बाय 30 फीट का शॉप अटैच हाउस प्लान बनाया हूँ। आप लोगों को मेरे बनाए प्लान पसंद आएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबाएँ ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, यह है 40 फीट 6 इंच बाय 30 फीट है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें ग्राउंड फ्लोर पे तीन शॉप दिया गया है और फर्स्ट फ्लोर पे तीन शॉप दिया गया है और उस सेकंड फ्लोर पे जो कि हाउस है। इसे ये देखिए दोस्तों, ये है फ्रंट एलिवेशन जो कि ये 3D में इस तरह से हाउस दिखेगा। इसकी हम लोग प्लान देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। इसमें दो तरह के मेजरमेंट दिए गए हैं, एक फिट में दिया गया है और एक एमएम में दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये 12150 मतलब 40 फीट 6 इंच और यहाँ पे देखिए दोस्तों 9000 मतलब 30 फीट। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे शॉप में जाने के लिए यहाँ पे तीन स्टेप दिया गया है, एक दो तीन यहाँ पे। इसके बाद देखिए देखिए दोस्तों, शॉप नंबर एक है 10 फीट बाई 12 फीट का है। इसकी एमएम में देखिए दोस्तों 3000 बाई 3600 का एरिया दिया गया है। इसके बाद दोस्तों देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर है और स्टेयर के बगल में से जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये हाउस में जाने के लिए दिया गया है जो कि ये अपार्टमेंट है, ये लगभग 1 BHK तक। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, यहाँ का स्टेयर का साइज़ देखते हैं तो ये है 6 फीट बाई 12 फीट का एरिया दिया गया है इसमें। इसके बाद दोस्तों, शॉप नंबर दो की साइज़ 10 बाई 12 की है, मतलब 10 फीट बाई 12 फीट का है। ये देखिए, इसकी एमएम में 3000 बाई 3600। इसके बाद दोस्तों, शॉप नंबर तीन की बात करें तो शॉप नंबर तीन भी सेम साइज़ के हैं, 10 फीट बाई 12 फीट का। इसकी एमएम में 3000 बाई 3600 का। दोस्तों, अब हम इसके हाउस में चलते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिविंग डाइनिंग एंड किचन इसमें अटैच ये दिया गया है। इसकी जो साइज़ है 20 फीट 11 इंच बाय 13 फीट 2 इंच। इसके बाद दोस्तों, ये इसका एमएम में साइज़ देखते हैं तो 3960 और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पूरा 6270 है। इसमें दोस्तों लिविंग डाइनिंग प्लस आपका किचन आ जाता है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़ा सा गैलरी टाइप पे दिया गया है। यहाँ पे ये अंदर जाने के लिए बेडरूम में ये इसकी साइज़ है 900 मतलब ये 3 फीट का है। इसके बाद दोस्तों, ये बाथरूम है। बाथरूम की साइज़ है 6 फीट बाई 9 फीट 4 इंच और इसकी एमएम में बात करें तो देखिए दोस्तों, 1800 बाई 2790। उसके बाद दोस्तों, ये बेडरूम है। इसकी साइज़ देखिए दोस्तों, 10 फीट बाई 13 फीट 2 इंच। इसमें देखिए 3960 है। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे विंडो दिया गया है पीछे साइड में। यहाँ पे वेंटिलेट करने के लिए आपको बाथरूम में भी दिया गया है विंडो, उसके बाद किचन में भी है और लिविंग रूम में भी है। दोस्तों, ये है ग्राउंड फ्लोर प्लान। इसमें देखिए तो टोटल तीन शॉप दिए गए हैं और पीछे साइड एक लिविंग रूम, डाइनिंग, किचन और बेडरूम के साथ साथ बाथरूम भी दिया गया है। दोस्तों, ये है ग्राउंड फ्लोर। इसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर में भी शॉप नंबर चार की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये इसकी साइज़ 10 फीट बाई 12 फीट की है। इसकी एमएम में बात करें तो 3000 बाई 3600 एमएम का है। उसके बाद स्टेयर भी सेम है दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पे जितना है, स्टेयर की साइज़ थी 6 फीट बाई 12 फीट की। और शॉप नंबर पाँच की बात करें तो 10 फीट बाई 12 फीट, इसकी एमएम में साइज़ की बात करें तो 3000 बाई 3600 का है। उसके बाद दोस्तों, शॉप नंबर छः, इसमें देखिए 10 फीट बाई 12 फीट का एरिया दिया गया है और यहाँ पे 3000 बाई 3600 का एरिया दिया गया है। ये जो शॉप नंबर 4, 5 और 6 सब एक ही साइज़ के दिए गए हैं, 10 फीट बाई 12 फीट का। और यहाँ पे 3 फीट का आपको बालकनी दिया गया है जो कि शॉप नंबर 4, 5, 6 में जाने के लिए। उसके बाद दोस्तों, स्टेयर केस के बगल में दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक हाउस दिया गया है जो कि अंदर जाने के लिए। उसके बाद दोस्तों, ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ही सेम साइज़ के हैं। यहाँ पे देखिए लिविंग डाइनिंग एंड किचन, ये 20 फीट 11 इंच बाय 13 फीट 2 इंच का है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे गैलरी दिया गया है अंदर जाने के लिए। ये बेडरूम में, यहाँ पे देखिए बेडरूम की साइज़ 10 फीट बाय 13 फीट 2 इंच। उसके बाद
बाथरूम, बाथरूम की साइज़ 6 फीट बाय 9 फीट 4 इंच है। दोस्तों ये है फर्स्ट फ्लोर प्लान। इसके बाद दोस्तों ये सेकंड फ्लोर प्लान। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें स्टेयर दिया गया है। इसके बाद इसमें टोटल 4 बेडरूम दिए गए हैं और एक बाथरूम और किचन, उसके साथ साथ डाइनिंग और लिविंग रूम दिया गया है। इसमें देखिए दोस्तों, किचन किचन डाइनिंग और लिविंग साथ में है। इसका भी साइज़ देखिए दोस्तों, 20 फीट 11 इंच बाय 13 फीट 2 इंच है। उसके बाद दोस्तों ये है बाथरूम। बाथरूम की साइज़ भी सेम है, 6 फीट बाय 9 फीट 4 इंच। उसके बाद दोस्तों ये बेडरूम, बेडरूम की साइज़ दोस्तों देखिए 10 फीट बाय 13 फीट 2 इंच। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेडरूम नंबर दो, बेडरूम नंबर दो की साइज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 फीट बाय 11 फीट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बालकनी है, यहाँ पे 3 फीट का बालकनी दिया गया है। इसके बाद दोस्तों ये बेडरूम तीन, बेडरूम तीन की साइज़ 10 फीट बाय 11 फीट का बेडरूम का साइज़ है। और बेडरूम नंबर चार, इसकी भी साइज़ सेम ही है, 10 फीट बाय 11 फीट का। ये था दोस्तों सेकंड फ्लोर प्लान। इसमें टोटल 4 बेडरूम दिए गए हैं और एक बाथरूम और लिविंग डाइनिंग अटैच किचन के साथ दिया गया है। अब इसके 3D मॉडल देखते हैं दोस्तों। इस तरह से ये 3D दिखेगा। इसकी हम लोग अगर कलर चेंज करेंगे तो इस तरह से दिखेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 3D मॉडल है दोस्तों। यहाँ पे स्टेप दिया गया है। स्टेप के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स। यहाँ पे देखिए स्टेयर के बगल में देखिए, यहाँ पे एक अंदर जाने के लिए डोर दिया गया है। दोस्तों ये प्लान आपको अच्छे लगेंगे।